अपनों से दूर रहना। क्या मैं टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे ट्रक ड्राइव कर सकता हूँ? ऊपर वाला वही है, जब तुम्हें टट्टी नहीं आती ना तो ऊपर वाले को बोलते भगवान प्लीज। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, वीजा लेके आया था। 123 बिलियन डॉलर्स का टैक्स इन लोगों ने भरा है। इतने आज के टाइम पे अमेरिकन सिटीजन है, वो एक टाइम पे इलीगल इमिग्रेंट थे। यहाँ पे आके बोझ नहीं बनना है। वेलकम बैक टू बड़ी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को, कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ। एक भाई ने मेरे को पूछा है कि सर कितने इलीगली लोग अमेरिका में आते हैं, क्या उनको कोई दिक्कत आ रही है या आगे आएगी। दूसरा भाई पूछा है कि सर मेरे को इंडिया से अमेरिका में ट्रक ड्राइव करने आना है, तो क्या मैं टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे ट्रक ड्राइव कर सकता हूँ। और तीसरा मेरे से एक भाई क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे कुछ अपने जानने वाले यहाँ पे रहते हैं, क्या वो लोग मेरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, उनका बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ। तो करते हैं आज इन सभी क्वेश्चंस की बात। आज सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे, या फिर आगे आएगी, या फिर जो आ चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले ना ये इलीगल वर्ड को समझते हैं यार। ये जो इलीगल वर्ड है ना, जितने आज के टाइम पे अमेरिकन सिटीजन हैं वो एक टाइम पे इलीगल इमिग्रेंट थे, समझ रहे हो? तो यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन है ना यार, वो तो एक्चुअल में बचे ही नहीं है। ये जितने लोग यहाँ पे बसे हैं ये बाहर की कंट्री से आके यहाँ पे बसे हैं। अभी क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को, वीजा लेके आया था वो। अरे जहाज लेके आया, घुसा दिया, उतार दिया अपने एक्सप्लोरर, चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री है। जब आप यहाँ पे आओगे ना इस कंट्री में, जब आप आसपास देखोगे कि अमेरिकन कौन है, तो आप देखना सारे बाहर से हैं, सब लोग बाहर से आके यहाँ बसे हैं। जितने गोरे काले हैं आपको क्या लगता है यहाँ के हैं? नहीं, ये लोग तो लाए गए हैं। काले लोग अफ्रीका से लाए गए, जो गोरे लोग हैं वो वाइकिंग्स के टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे आए थे एज अ सेलर, जो कि जहाज से आते थे। उस टाइम तो ये सब कुछ है ही नहीं, तो सारे जो हैं बाहर से इस धरती पे आए हैं, सभी ने हार्डवर्क किया और इस कंट्री को बनाया है। तो मेरे हिसाब से हर वो बंदा अमेरिकन है जो यहाँ पे आता है, हार्डवर्क करता है, इस कंट्री की इकोनॉमी में अपनी वैल्यू डालता है, वो सभी लोग अमेरिकन हैं। इरिस्पेक्टिव कि आपके पास ग्रीन कार्ड है या ना है, आप यहाँ काम करते हो, यहाँ की कंट्री की इकोनॉमी में आप वैल्यू डाल रहे हो, तो भाई आप अमेरिकन हो। ये है ट्रू डेफिनेशन एक अमेरिकन बंदे की। क्योंकि जब आप यहाँ के नेटिव अमेरिकन ढूंढने जाओ ना, वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ख़त्म कर दिया गया था। कभी हिस्ट्री पढ़ना आप, तो जहाँ पे जितने भी लोग बसे हैं ये सब बाहर की कंट्री से आके यहाँ पे बसे हैं। और यहाँ का जो लॉ है, अगर आप जाते हो तो, ये अमेरिका सबसे इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है भाई। इसलिए यहाँ पे जितने इलीगली लोग आए हैं ना, आज के ज़माने में अमेरिकन सिटीजन है। जो क्वेश्चन आपका है कि सर क्या यहाँ पे इलीगल लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, हार्डवर्क करते हो, कोई स्किल आपको आता है, ये कंट्री आपको वैल्यू देगी, हर चीज़ देगी जो आपको किसी और कंट्री में क्या पता ना मिल रही हो। तो ये है ट्रू फैक्ट अबाउट अमेरिका। अगर आप यहाँ पे आते हो, इररिस्पेक्टिव आपका वर्क परमिट है नहीं है, यहाँ पे सब कुछ को, सबको, एक एक बंदे को खाना मिलता है भाई, हर एक बंदे को वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है जो एक अमेरिकन सिटीजन को मिलता है। अगर आप रोड पे चलते चलते गिर जाओगे ना, वही सेम एम्बुलेंस आएगी आपको उठाने के लिए जो एक अमेरिकन सिटीजन के लिए आती है, वही सेम पुलिस आएगी जो एक अमेरिकन सिटीजन के लिए आती है। तो आप इन सब चीज़ों को समझो, आपने क्या चीज़ करनी है पता है, यहाँ पे आके बोझ नहीं बनना है, हार्डवर्क करना है, प्रूव करना है, इस कंट्री की इकोनॉमी में अपनी वैल्यू डालनी है, तो आप एक अमेरिकन कहलाओगे। और रही बात दिक्कत की, तो भाई दिक्कत तो जब तक जिंदगी है तब तक दिक्कतें रहेंगी। तो आपको मैं फैक्ट वाली बात बताता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अभी मैं फैक्ट बताता हूँ, पिछले 10 सालों में 2005 से 2019 तक की एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया कि ओवर 100 बिलियन डॉलर्स का टैक्स इमिग्रेंट लोग, जो ऐसे इलीगल लोग आते हैं ना, इनको वर्क परमिट देती है यहाँ की गवर्नमेंट, और फिर ये लोग काम करते हैं और फिर टैक्स पे करते हैं। तो 123 बिलियन डॉलर्स का टैक्स इन लोगों ने भरा है पिछले 2005 से 2019 तक का जो टाइम पीरियड है। तो अब आप बताओ कि गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा हुआ है या उनको नुकसान हुआ है, तो आपकी वैल्यू है या नहीं है, क्या यहाँ पे लोग इमिग्रेंट को सपोर्ट करेंगे या उनको बोलेंगे नहीं इनको डिपोर्ट करो। अगले आने वाले 15 साल में इमिग्रेशन यहाँ बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए यहाँ पे इमिग्रेंट्स की वैल्यू है। वही लोग तो हैं यार, आप हिस्ट्री उठाओगे ना आपको समझ में आएगा कि यार बाहर के लोगों ने ही इस कंट्री को बनाया है। फिर वही लोग जो अगली जनरेशन, अभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं जो,
अभी उन्होंने उनकी खुद की फैमिली इमिग्रेंट है, लेकिन उनको इमिग्रेशन जो है वो पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स में कुछ खेलना है ना कि कैसे लोगों के वोट लें, तो वो ये इमिग्रेंट वाला चक्कर जो है बीच में घुसा देते हैं कि इनसे हमें वोट मिल जाएंगे, पर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, यहाँ पर जब वो लोग टैक्स भरते हैं ना, तो अमेरिका के इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये चीज़ें समझो, फैक्ट को समझो। ये पॉलिटिक्स जो होता है ना, इससे दूर रहने का कि लोग क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया क्या बोल रहे हैं, नहीं, हमेशा जाने का तो बेस देखने का, बेसिक क्या है, फैक्ट क्या है। अगर आपको पॉलिटिक्स में घुसना ही है तो भाई डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करो, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो। इमिग्रेशन जो फ्रेंडली पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक, और जो एंटी इमिग्रेंट है ना, ये है रिपब्लिकन पार्टी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी। तो मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ ये सब चीज़ें कि यहाँ पे होता क्या है, चलता क्या है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें मेरे को भाई पूछ रहे हैं कि मेरे को इंडिया से अमेरिका में आना है, क्या मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे ट्रक ड्राइव कर सकता हूँ। भाई अब इसका कुछ कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मैं आपको बोल सकता, कोई ऐसा डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं है कि आप इंडिया से यहाँ पे आए, सीधा वर्क परमिट हाथ में आया और आप ट्रक चलाओ, क्योंकि ट्रक चलाने के लिए आपको यहाँ पे वर्क ऑथराइजेशन चाहिए रहता है, क्योंकि वर्क ऑथराइजेशन से ही आपको SSN मिलता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसके बाद जो है आप ट्रक ड्राइव कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि पहले वर्क ऑथराइजेशन कैसे मिलेगा, तो वो अगर आपको जानना है तो मैं बोलूँगा किसी भी, जब आप अमेरिका में आते हो, किसी भी इमिग्रेशन अटॉर्नी, जो भी इमिग्रेशन के लॉयर होते हैं, उनसे जाके मिल लो, जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स आए हैं यहाँ पे, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि सर क्या तरीके हैं, वो आपको बहुत सारे तरीके हैं यार, इतने ज़्यादा तरीके हैं ना, वो आपको बताएंगे, और आपको कौन सा सही बैठता है, आपको लगता है कि यार इस फील्ड से मैं जो है वर्क परमिट की तरफ जा सकता हूँ, तो आप बिल्कुल करो, और आपको पूरा बताएंगे। इसीलिए तो यार बोलते हैं ना, अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारा तरीके हैं, उनको सर्च करना है, उनको ढूंढना है, फिर आप ट्रक भी चला सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, हर चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो लीगली। वाला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक भाई ने बोला है कि मेरे कोई अपने जिनको जानते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे आके उनके साथ काम करके बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको पता क्या बोलना चाहूँगा, अपनों से दूर रहना, समझ रहे हो। अब मैं बताता क्या, अपनों में ना सिर्फ दो ही लोग आते हैं, मम्मी और पापा, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बाकी जितने होते हैं ना, जानने वाले, रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये अंदर ही अंदर ना कोई और चीज़ होते हैं, ये आपको बुला लेंगे, आपको यहाँ पे संभाल भी लेंगे, पर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, समझ रहे हो। ये फैक्ट वाली बात है, मैं बता रहा हूँ, और ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर आप यहाँ पे आते हो और कल को आप इम्प्रूव करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओगे ना, तो जो आपके जानने वाले ना, सबसे पहले वही जलते हैं और वही काम खराब करते हैं, तो सबसे पहले उनसे दूर रहो भाई। किसी के पास भी चले जाओ, मैं बोलता हूँ किसी के पास भी चले जाओ, अपने अपनी वैल्यू जो है वो दिखानी है आपको, ना कि भाई किसी का रिलेशन आपके साथ है तो वो बता के आप काम पे जा रहे हो, नहीं, आप काम पे जा रहे हो, आपने अपनी वैल्यू प्रूव करनी है, अपने आप जो है सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि लोग जिसके भरोसे आए उन्होंने तो बस सिर्फ यूज़ ही किया, ठीक है, और जब उनको लगा कि यार अरे ये आगे बढ़ रहा है, तो टांग खींचना शुरू कर दी। तो अपनों से दूर रहो। हाँ, आपके कोई सगे हैं, आपका रियल ब्रदर है, कोई रियल सिस्टर है, बिल्कुल आओ, कोई ऐसा नहीं है, पर ऐसे कोई जानने वाले, मेरा कोई अपना है, आज की ज़िंदगी में यार भगवान वाला और माँ बाप, ये तीन ही लोग अपने होते हैं, बाकी तो सब इंटेंशनली आते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना अमेरिका। तो जब भी आना, अपने बल पे आना, और अच्छे लोग हैं यहाँ पे भाई, मैं बोलता हूँ अगर आप अच्छे हो ना तो आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, अगर आप खराब हो तो आपको लोग भी खराब ही मिलेंगे। तो ये ऐसा अपनों वाला फैक्टर मत लाओ बीच में कि मेरा कोई रहता है, नहीं, अपने बल पे आओ, अपने काम को प्रूव करो, अपने आप आपको रिस्पेक्ट, पैसा, सब चीज़ मिलता है यार, यहाँ के लोग अच्छे हैं अगर आप अच्छे हो। मैं अपनी वीडियोज़ में ना ऊपर वाले का नाम बहुत लेता हूँ, तो मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया कि सर ये ऊपर वाला कौन है, नॉनसेंस करके लिखा उसने, तो मैं उसको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा। भाई ऊपर वाला वही है, जब तुम्हें टट्टी नहीं आती ना तो ऊपर वाले को बोलते भगवान प्लीज़ बचा ले, समझ रहे हो। तो यार ऊपर वाले के बिना तो यार पत्ता नहीं मूव हो सकता, बॉडी तक नहीं तुम सही से कर सकते, तो सक्सेसफुल होना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं जो हूँ, आई ऑलवेज पुट गॉड फर्स्ट, कोई भी काम करना है पहले ऊपर वाले का नाम लेना है, उसके बाद करो, देखो कैसे चक देते हैं फटे। तो ऊपर वाले को भी अंडर एस्टिमेट मत करना भाई, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी अनएक्सपेक्टेड, आप बोलोगे यार ये क्या है, और सॉल्व करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला ही होगा,
उसी के भरोसे रहना है पूरी जिंदगी, क्योंकि जब आए थे तब होश नहीं था, जब जाएंगे तब होश नहीं, तो बीच का क्या होश है भाई, क्या संभाल लोगे। और अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शक्को फटे, और ऊपर वाले को याद रखना भाई, क्योंकि तो ऑटी नहीं आएगी।